हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकिता डिमर फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय किलापाड़ी, स्टैंडर्ड 5, लास्ट चैप्टर, टॉपिक पेकिंग क्यूब्स। गणेश एंड दीघा वांट टू पेक 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स इन बॉक्सेस। दिस आर टू बी सेंट टू अ स्कूल। देर आर 3 डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल फॉर पेकिंग। यहाँ पे दोनों फ्रेंड है, गणेश एंड दीघा, ओके। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के 3 बॉक्सेस है, ओके। तो आपको दिख रहा है, उसमें हमें पैकिंग करना है, ओके। और यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स की जो लेंथ है 20 है, ब्रीथ 10 है और हाइट 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स बी की 11 लेंथ, ब्रीथ 11 और हाइट 10 है। यहाँ पे लेंथ 50 सेंटीमीटर, ब्रीथ 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, छोटे छोटे बॉक्स जो है ना, उसको हमें बड़े बॉक्स में पैक करना है, ओके। तीनों की लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट दी है तीनों बॉक्स की, ओके। दीघा यहाँ पे, दीघा ने क्या बोला, विल वी बी एबल टू फिट ऑल 4000 क्यूब्स इन दीज 3 बॉक्सेस। आई थिंक वी नीड 1 मोर बॉक्स फॉर ईच। क्या हम 4000 क्यूब ये तीनों बॉक्स में रख पाएंगे? 4000 क्यूब है, मुझे लगता है मुझे एक बॉक्स चाहिए पड़ेगी, ओके। और गणेश ने क्या बोला, आई थिंक देयर इज इनफ स्पेस इन दिस बॉक्सेस टू पैक ऑल 4000 क्यूब्स। काफी यहाँ पे जगह है 4000 क्यूब पैक करने के लिए, काफी जगह है, यानी 3 बॉक्स में हो जाएंगे, ओके। रीगा ने क्या बोला, उसने क्या बोला, हमें और एक बॉक्स चाहिए। और गणेश ने क्या बोला, कंप्लीट हो जाएगी 3 बॉक्स में, ओके। व्हाट इज योर गैस, आपको गैस करना है व्हाट इज राइट, दोनों में से कौन सही है। आई गेस दैट द क्यूब विल फिट इन ऑल 3 बॉक्सेस पुट टुगेदर। दोनों में से कौन करेक्ट है, तो कैसे पता चलेगा आपको। फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पे लेंथ 20 है, 10 ब्रीथ है, ओके। तो यहाँ पे 1 लेयर में कितने बॉक्स हो गए, 20 इंटू 10 यानी 200 होगा, ओके। तो यहाँ पे हमें कितने लेयर में पूरा बॉक्स पे पैक हो जाएगा, कितने लेयर में, ओके। तो हाइट दी है 6, तो 1 लेयर में 200 होगा, तो 6 लेयर, 1 लेयर में 200 बॉक्स आप रख पाएंगे। तो हाइट, उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, तो 6 लेयर होगी ना। फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6 लेयर में, तो 6 लेयर में कितने बॉक्स रख पाएंगे, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन 200 के साथ करेंगे। लास्ट में जो जीरो है, 86 2 12, ओके, 1200 होगा आंसर, ओके। दूसरे बॉक्स में, बॉक्स बी में क्या है, 1 लेयर में, तो फर्स्ट लेंथ एंड ब्रीथ उसकी क्या है, 11 इंटू 11 यानी 121 होगा। तो 1 लेयर में, शो 1 लेयर में 121 बॉक्स रख पाएंगे, तो उसकी हाइट क्या है, 10, तो 10 लेयर में कितने बॉक्स आप रख पाएंगे, 10 का मल्टीप्लिकेशन 120 के 1 के साथ करेंगे, तो क्या होगा, 12, 10 होगा, ओके। नेक्स्ट उसकी लेंथ 15 एंड 9 का मल्टीप्लिकेशन करें, 50 इंटू 9, तो आपको फर्स्ट लेयर में 135 होगा बॉक्स। तो यहाँ पे हाइट क्या दी है, 10, तो फर्स्ट लेयर में आप 135 बॉक्स रख पाएंगे, तो 10 लेयर में 10 इंटू 135, तो 1350 होगा आंसर, समझ में आया। यहाँ पर टोटल बॉक्स हम करेंगे, तो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में आंसर आया 1200, नेक्स्ट में 1210, नेक्स्ट में ये होगा, तो तीनों को ऐड करेंगे, तो 0 5 1 6, 2 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 3 7 1 प्लस 1 3, ये आंसर होगा। तो 1 बॉक्स में
टोटल वर्क हमारे पास यहाँ पे इतना है ना, ओके। और टोटल क्यूब हमारे पास 3760 है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी वॉल्यूम भी यही होगी ना, ओके। तो दोनों में से करेक्ट कौन है? आई गेस दैट द क्यूब विल फिट इन ऑल द थ्री बॉक्सेस पुट टुगेदर। डिगास गेस इज करेक्ट, करेक्ट है ना, ओके। नेक्स्ट, हाउ कैन गणेश एंड बिगा टेन देयर गैसेस बिफोर पैकिंग द क्यूब इन द बॉक्सेस, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स की हमें फाइंड की लेंथ, सेकेंड, थर्ड, ओके, तीनों की हमें फाइंड की ना, और उसके वॉल्यूम भी एज इट इज होगा आंसर, ओके। तो यहाँ पे हमें फाइंड किया ना कि लेट अस टेक द फर्स्ट बॉक्स, उसके लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट बुक में दी है, वो मेंशन की मैंने। हेंस वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी लेंथ 20, ब्रीथ 10 और हाइट 6, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर आंसर इज ये होगा क्यूबिक सेंटीमीटर, विच इज लेस देन 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकेंड बॉक्स की लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट दी, उसका तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, ओके, ये आंसर होगा विच इज लेस देन 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है थर्ड बॉक्स, लेंथ 50 सेंटीमीटर, विथ 9 सेंटीमीटर हाइट, तीनों का क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया है, विच इज लेस देन 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर। एडिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑल दिस थ्री बॉक्सेस वी गेट, तीनों का ऐड करना है, ऐड करके आंसर ये होगा 3760, दिस इज लेस देन 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड हैज डिगास इज राइट, ओके। नेक्स्ट है यूज गणेश मेथड एंड राइट, ओके। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज इन बॉक्स बी। तो बॉक्स बी में कैसे अरेंज करेंगे, तो बॉक्स बी में आपको पता है ना, यहाँ पे उसके लेंथ एंड ब्रीथ 11 दी है ना, तो वन लेयर में 11 × 11 यानी 121, उसकी हाइट दी है 10, 10 लेयर में क्या होगा, 10 का मल्टीप्लिकेशन 120 के 1 के साथ करेंगे, तो ये आंसर होगा। अभी हमें फाइंड क्या ना ये 12, 10। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज इन बॉक्स सी। तो बॉक्स सी में क्या होगा, 1 लेयर में हम 15 × 9 का मल्टीप्लिकेशन, तो 10 लेयर में ये होगा आंसर बॉक्स सी का। सो 10 सेंटीमीटर क्यूब्स इन ऑल कैन बी पैक इन द थ्री बॉक्सेस। थ्री बॉक्सेस का क्या करना है, ऐड करना है, आंसर क्या होगा 3760, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है विच पाइप फिल मोर, ओके। पाइप यानी आपको पता है ना, वाटर का पाइप होगा, टैंक में हम पाइप यूज करके पानी हमारे घर पे आते हैं, ओके। प्लास्टिक का पाइप, पेपर का पाइप एक्सेट्रा होता है, ओके। तो यहाँ पे कलेक्ट सम ऑल द पोस्ट कार्ड, यू कैन ऑल्सो यूज थिक पेपर ऑफ साइज 40 × 9 cm। यहाँ पे हमें पोस्ट कार्ड का यूज करना है, उसकी लेंथ है 40 cm एंड ब्रीथ 9 cm है। फोल्ड द पोस्ट कार्ड अलोंग द ब्रीथ टू मेक पाइप वन जॉइंग द एंड विद सेलो टेप, ओके। तो क्या करना है, पोस्ट कार्ड को फोल्ड करना है, वो पाइप वन बनेगा, ओके, और सेव टेप्स का यूज करना है। टेक अनदर पोस्ट कार्ड, यह इस तरह से बनेगा फर्स्ट, समझ में आया। टेक अनदर पोस्ट कार्ड एंड फोल्ड इट अलोंग द लेंथ टू मेक पाइप टू जॉइन द एंड्स विद टेप। दूसरे में लेंथ जो है ना, लेंथ की साइड से उसने फोल्ड किया, तो ये होगा फिगर, ओके। गैस विच पाइप कैन टेक मोर सैंड इनसाइड इट, होल इट ऑन अ प्लेट एंड पोर सैंड टू चेक योर गैस, वॉज योर गैस करेक्ट, डिस्कस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
सेल बननी है पाइप में, ओके समझ में आया? क्या बननी है? सेल। और गैस करना है किस पाइप में आप ज्यादा सेल भर सकते हो, किस पाइप में, वन एंड टू में, किस में? तो पाइप टू में है ना, पाइप टू कैन टेक मोर सेल। दिस सेल दिस वॉज कन्फर्म ड्यूरिंग चेकिंग। आप इस टाइप का आपको पोस्का लेना है, फोल्ड करना है, दूसरे में भी फोल्ड करना है, लेंथ की साइड से और विड्थ की साइड से फोल्ड करना है, सेंड बननी है। और यह आप पाइप में, किस पाइप में ज्यादा आप सेंड भर सकते हो, तो पाइप टू होगा। ये आपको प्रैक्टिस से होमवर्क आपको करना है, ओके। नेक्स्ट, नाउ डू द सेम विथ अदर पाइप। सो हियर, यह भी दूसरा पाइप है, ओके। टू मेक द ट्राइंगल से पाइप थ्री, ड्रो टू लाइन ऑन द पोस्टकार, फोल्ड द पोस्टकार अलोंग द लाइन, ज्वाइन द एंड विद टैप। यह भी तीन इक्वल पार्ट की है और उसने क्या बनाया, ट्राइंगल बनाया और टैप का यूज किया। नाउ मेक द स्क्वायर से पाइप फोर, फाइंड आउट विच पाइप कैन टेक द मोस्ट सैंड इन साइड इट, सो विच पाइप हैज द मोस्ट वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, पाइप वन टू थ्री फोर। यह पे स्क्वायर बनाने के लिए फोर इक्वल पार्ट किए, इसी तरह आपको बनाना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर। फोर बनाने के लिए किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, किसमें आप ज्यादा सेंड भर सकते हो, तो आंसर क्या होगा, स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप है ना, पाइप फोर हैज मोर वॉल्यूम, ओके। आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।